प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अपना कार्य ध्यानपूर्वक और वीडियो की सहायता से पूरा कर रहे होंगे। आज हम त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से हिंदी की ऑनलाइन क्लास अपनी किताब रिमझिम की तरफ से पाठ 5 अधिक बलवान कौन हम यह करने जा रहे हैं। यह हमारा है पाठ 4 और यह हमारी रिमझिम किताब की तरफ से है, जो एनसीईआरटी से है हमारी अधिक बलवान कौन। इसमें क्या होता है बेटा, एक बार सूरज और हवा में बहस हो जाती है। आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। अधिक बलवान कौन, पाठ 4। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। किसकी से बहस छिड़ गई? हवा और सूरज में। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा कि मुझमें तुमसे ज्यादा ताकत है। वो अपने आप को ताकतवर समझने लगा, हवा अपने आप को और सूरज अपने आप को। तो जब हम अपने आप को अच्छा प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाती है, आपस में बहस हो जाती है। तो इतने में हवा की नजर सड़क पर चलते एक आदमी पर पड़ी। देखो बेटा, ये एक आदमी सड़क पे चल रहा था, तो किसकी नजर पड़ी? हवा की नजर। हवा ने कहा कि इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है, तो जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही सबसे अधिक शक्तिशाली होगा, वही सबसे अधिक बलवान होगा। तो अब क्या हुआ, सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। अब बेटा वो दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की और आदमी की टोपी उड़ गई, पर उसने अपने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और अपने हाथों से कोट को शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन जो पहले खुले थे उन्हें बंद कर लिया। अब देखो बेटा क्या हुआ, हवा और जोर से चलने लगी। देख रहे हो ना, अब जो हवा है वह और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी ने नीचे ही गिर पड़ा। हवा इतनी तेज चल पड़ी कि वह आदमी रुक नहीं सका और वह नीचे गिर गया, पर उसने कोट को अपने शरीर से अलग नहीं होने दिया। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। तो जैसे हवा तेज चली तो हवा ने अपनी ताकत दिखाई। अब बताओ सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा? सूरज तपने लगा, सूरज बहुत तेज चमकने लगा। जब सूरज तेज तेज तपने लगा तो क्या हुआ, सूरज की गर्मी बढ़ गई। तो आदमी ने अपने कोट के बटन खोल दिए हवा लगने के लिए। उस आदमी ने भी क्या सोचा होगा कि अभी तो इतनी तेज हवा चल रही थी कि मैं गिर ही पड़ा और अभी इतनी तेज गर्मी हो गई है। तो उसने क्या किया, सूरज ने अपनी गर्मी और बढ़ा दी, तो आदमी ने कोट को उतार ही दिया। उससे वह कोट सहन ही नहीं हुआ और उसने उस कोट को उतार दिया और हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखा देखो मेरी ताकत, मैंने उतरवा दिया ना कोट। तो हवा ने सूरज को नमस्कार कहा किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो हमें कभी भी अपनी ताकत पर और अपनी काबिलियत पर घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी हमें इसको लेकर बहस नहीं करनी चाहिए। तो बेटा इस कहानी का सारांश भी है कि एक बार हवा और सूरज बहस छिड़ गई कि मैं अधिक ताकत करूँ, वह मैं अधिक ताकत करूँ। तो हवा ने एक आदमी को देखा तो उनमें शर्त लगी, जो इसका कोट उतरवा देगा वह अधिक ताकतवर होगा। तो हवा बहुत तेज चलने लगी। हवा से बचने के लिए आदमी ने अपने कोट के बटन बंद कर दिए, पर कोट को अपने शरीर से अलग नहीं होने दिया और हवा इतनी तेज चली कि वह आदमी थककर गिर गया। तो हवा भी हार मान गई कि देखो इसके तो कोट के बटन खुले थे और अभी से बंद कर लिए और यह थक के गिर भी गया। अब सूरज की बारी आई तो सूरज ने तपना शुरू कर दिया, तो उस आदमी ने वह कोट के बटन खोल दिए। वह इतनी तेज तपने लगा कि उस आदमी ने वह कोट उतार दिया और अपने हाथ में ले लिया। इस तरह से अंत में किसकी जीत हुई,
हवा थककर हार गई और सूरज की जीत हो गई और हवा ने भी मान लिया कि भी सूरज अधिक ताकतवर है। अब करते हैं कुछ शब्द। आइए बेटा, बहस, तर्क। जब हम तर्क वितर्क करते हैं तो हम उसे कहते हैं बहस करना, वाद विवाद। नजर, दृष्टि या निगाह। जैसे हवा की नजर किस पे पड़ी? एक आदमी पर। बलवान, शक्तिशाली या ताकतवर। तपन, जलन, कि सूरज इतनी देर तपने लगा कि उस आदमी को जलन होने लगी और उसे अपना कोट उतार दिया। चलो बेटा, आप करते हैं कुछ प्रश्नों के अभ्यास। प्रश्न नंबर एक, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? हवा की गति काफी तेज होती है और वह पल भर में बहुत सारी चीजों को उड़ा सकती है। और जब हवा अपना प्रकोप रूप धारण करती है तो वह बड़ी बड़ी इमारतें भी ढा देती है। तो इसीलिए हवा को लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। हवा आदमी का कोट कैसे उतार सकती थी? हवा यदि अपने साथ धूल के कण भी ले आती तो इससे उस आदमी की आंखों में चुभने लग जाता और वह अपना कोट उतार कर फेंक सकता था और वह अपना मुंह ढक लेता। अपनी आंखों में कंकड़ धूल से बचाने के लिए अपना कोट उतार कर उससे अपना मुंह ढक सकता था। चलिए अगले प्रश्न पर। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया और गर्मी लगने पर क्या करते हो बेटा? मैं गर्मी लगने पर हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं और ठंडे पानी में स्नान करती हूँ, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाती हूँ या एसी या कूलर के आगे बैठ जाती हूँ। आप भी यही करते होंगे ना, जब गर्मी लगती है ठंडा ठंडा पानी पीते हो, ठंडा शरबत पीते हो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हो, एसी चलाकर बैठ जाते हो, कूलर चला के बैठ जाते हो और हल्के फुल्के और पतले कपड़े पहनते हो। तो बेटा अगला चलते हैं। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज गति से बहना शुरू कर दिया। तेज तेज चलने लगी हवा, इसके कारण आदमी की टोपी उड़ गई और वह भी गिर पड़ा। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए और गर्म होना शुरू कर दिया, अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे आदमी ने अपना कोट उतार दिया। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करते हैं? पानी अपने बहाव को तेज कर देता है और इससे बहुत सारी चीजें पानी में बह जाएंगी। बादल अपनी ताकत दिखाने के साथ गरजने के साथ मूसलाधार बारिश करने लग जाते हैं, जिससे बाढ़ भी आ सकती है। पहाड़ टूटकर किसी भी रास्ते का अवरोध कर देते हैं, किसी भी रास्ते को रोक सकते हैं। सर्दी अपनी ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देती है। तो बच्चों, आप इस कहानी को पढ़ो और इसे अपने छोटे बहन भाइयों को सुनाओ, अपने माता पिता के साथ इस कहानी को शेयर करो और इस वीडियो की सहायता से इस अभ्यास को पढ़ो और अपनी कॉपी और किताब में पूरा करो। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।